नमस्कार, gamasan.com में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार राठौर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में यशस्वी ज्योतिषी की कुलकर्णी मैडम, जो कि पिछले 30 सालों से इसी लाइन में हैं, विशेष रूप से चर्चा के लिए उपस्थित हैं। कुलकर्णी मैडम, आप कब से इस लाइन में हैं और पत्रिका आप कब से देख रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? मैं विगत 15 वर्षों से इस लाइन में हूँ और पत्रिका देखने का उद्देश्य मेरा पैतृक ही यह था कि पापा और मेरे दादाजी इसी लाइन में थे ज्योतिष के। ये जो आप जन्म कुंडली बनाते हैं और देखते हैं और उसके आधार पर आप भविष्यवाणी करते हैं, तो ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है, कितने परसेंट सही निकलती है? पत्रिका यदि सही है, टाइम टेबल से सही बनी है, तो वो 80% सही निकलती है। उसके अलावा यदि कुछ उसमें टाइम, मेन इसमें रहता है टाइम, टाइम गलत है तो पत्रिका गलत रहेगी, और टाइम सही है तो पत्रिका सही है। और इसमें भविष्यवाणी की जहाँ तक बात है, वो 110% क्लियर रहती है, बाकी ज्योतिष की तरफ से वो 80% ही कहलाती है, 20% ईश्वर की तरफ से रहती है। दोनों मिला के 100%। मतलब आपका ये कहना है कि 80% जो भविष्यवाणी है वो जन्म कुंडली के बेसिस पर होती है और बाकी 20% ईश्वर के ऊपर छोड़ रहे हैं आप। एक महिला होते हुए भी आपने ज्योतिषी का मार्ग चुना, इसके पीछे कोई खास वजह? गॉड गिफ्ट पापा की तरफ से, पैतृक, जो फैमिली में जो देखा करा उसी को मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये करना चाहिए, नहीं ये फील्ड मुझे मन से लगी, नहीं ये मुझे करना है, इसी में आगे बढ़ना है, इसी में मुझे कुछ करियर बनाना है। जन्म कुंडली के अलावा और भी आप कुछ देखते हैं क्या, जैसे फेस रीडिंग या फिर और हस्तरेखा? यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं है तो फेस रीडिंग एक दूसरा माध्यम होता है। फेस रीडिंग से उसके क्वेश्चन, उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसी की जन्म कुंडली नहीं है, हाँ, तो क्या फेस रीडिंग के माध्यम से भी आप उसके विवाह के योग बता सकते हैं, गुण मिलन कर सकते हैं उस आधार पर भी? नाम से, नाम, नाम से? बोलता नाम है जी। भाई एक होता है राशि का नाम, एक होता है बोलता नाम, तो बोलते नाम से भी उसकी पत्रिका बन सकती है। गुण मिलन होता है, सिर्फ गुण मिलन, एक्चुअली गुण मिलन में नक्षत्र के आधार पर रहती है जी। एक आदर्श शादी के लिए कितने गुण मिलन होना चाहिए? 21 21 गुण मिलन। ये क्या कम से कम माना गया? कम से कम, इससे कम अगर 18 से ऊपर हो सकती है, बाकी कम से कम 21 गुण तो माना चाहिए जी। क्या अभी तक किसी के 36 गुण मिले हैं? मेरी लाइफ में 34 गुण तक देखे हैं मैंने, 36 गुण आपने कभी नहीं देखे अभी तक? अच्छा, अभी एक और ये बात देखने में आ रही है कि जो नई पीढ़ी जो आ रही है अभी, युवा पीढ़ी, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं वो लोग जी। वो लोग जो, उनको ज्योतिष का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है इस फील्ड में, तो ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या विलुप्त हो रही है जी। बड़े शहरों में, इस बारे में आपका क्या विचार है? ज्योतिष विद्या लुप्त नहीं है, इसको उजागर नहीं किया जा रहा है। जैसे बच्चों को भी इस विद्या में इंटरेस्ट कैसे आए, अब बच्चे हाथ में मोबाइल दे दिया तो मोबाइल की सारी डिटेल मालूम है बच्चों को, वैसे ही ज्योतिष की यदि पाठ्यशाला से ये ज्योतिष किया जाए कि नहीं पाठ्यक्रम है, उनको 8 क्लास में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी। जैसे अभी साइंस भाई, सूर्य इस डिग्री पे है, चंद्र इस डिग्री पे है, और पृथ्वी भूचक्र कितने डिग्री का होता है, ये सारी जानकारी है, बस ये क्यों है, क्या है और क्यों यूज होता है वो किसी को नहीं मालूम, तो ये भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में आए तो बच्चे सीखेंगे, नहीं तो उन्हें कोई भी बता नहीं पाएगा, आने वाली जनरेशन तो कोई भी नहीं सीख पाएगी है। और जहाँ तक सही है कि भई ये ज्योतिष है तो अपन है या नहीं है, ज्योतिष होना बहुत जरूरी है, ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान, भाई मेडिसिन का ज्ञान है आपको तो हाँ है, अपन मेडिकल पे जाके बोल सकते हैं मेरे एनासिन टेबलेट दे दीजिए क्योंकि वो सिर दुख रहा है इसलिए वो लेगा। यदि ज्योतिष का ज्ञान है तो वो बोलेगा यार सूर्य खराब है तो आज चलो सूर्य की जाप कर लो, या सूर्य की आराधना कर लो, या शनि मंदिर या सूर्य मंदिर चले जाओ, शिव आराधना कर लो, तो उसका सूर्य प्रबल हो जाएगा। यदि ज्ञान है तो वो व्यक्ति कर सकता है, और ये ज्ञान कौन देगा आने वाली जनरेशन को,
ये पाठ्यक्रम में होगा तो ले पाएगा ना, यदि पाठ्यक्रम में ही नहीं है। इसमें अभी ज्योतिष में कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश में? अभी संस्कृत महाविद्यालय इस फील्ड में कर रहा है, कुछ बहुत आगे प्रोग्रेस में है। इसकी जो यूनिवर्सिटी है महर्षि पाणिनी उज्जैन में है जी। और उज्जैन में गुरुकुल भी है ज्योतिष का, वहाँ पे भी सिखाया जाता है, बच्चों को 8वीं क्लास से सिखाते हैं वहाँ भी। आपने क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर के कोई कार्यक्रम अटेंड करे हैं क्या ज्योतिष के क्षेत्र में? जी, मैंने नेशनल लेवल पे ज्योतिष का अखिल भारतीय एसोसिएशन ज्योतिष मास के हिसाब से अपना 2019 में 12-13 जनवरी ग्वालियर में किया है मैंने, तो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे था वो। आपने जैसा कि दावा किया कि आप ज्योतिषी के माध्यम से समाज सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं समाज को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो इस काम से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या जीवन में? जैसे हमारा जो ज्योतिष कार्यालय का उद्देश्य ये था कि व्यक्ति को मन में शांति मिले, या उसकी जो क्यूरियोसिटी है भाई, उसकी जो इच्छा है वो उसका पूर्ण हो। भाई क्वेश्चन है भाई, मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, मुझे ये दिशा में जाना सुटेबल है या नहीं है? जैसे पूर्व दिशा में है तो जाना सुटेबल है या नहीं है? यदि व्यक्ति जा रहा है और कुछ बिजनेस के काम से जा रहा है तो हाँ अपन बता दीजिए कि हाँ ये सही है। तो यदि वो गया, अपन ने बताया हाँ सही है, उसके बिजनेस में प्रबल 100% उसको फ़ायदा हुआ, तो वो आके बोलेगा नहीं यार आपने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। तो एक तरह से ये हेल्पिंग ज्योतिष एक होता है हेल्पिंग नेचर वाला, कि आपकी समाज सेवा भी हो गई, सामने वाला भी काम हो गया, उसका भी बिजनेस भी आगे बढ़ गया, तो एक समाज सेवा ही हो रही है, इन ऑल टोटल समाज सेवा से जुड़ा हुआ ही है ये ज्योतिष भी। तो आज घमासान की टीम के साथ में माधुरी कुलकर्णी मैडम, जो कि यशस्वी ज्योतिषी की डायरेक्टर हैं और पिछले लंबे समय से वो ज्योतिषी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे ऑडियंस के लिए उपलब्ध कराया है। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.